जब हम सूरज को जमीन से देखते हैं, तो ये हमें येलो कलर में दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत में ये हमारी सोच से भी ज्यादा गर्म प्लाज्मा से बनी हुई एक बॉल है। जो रोशनी हमें सूरज से मिलती है उसे रेडिएशंस कहते हैं, जो सूरज के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती है। ये रेडिएशंस पूरे सोलर सिस्टम में फैलकर 18 अरब किलोमीटर दूर जाती हैं। सूरज की पहली लेयर उसकी सरफेस है, जिसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। जब आप इस सरफेस को टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको मैटर उबलते हुए पानी की तरह नजर आएगा। सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी चारों तरफ बहुत घना गैसियस एटमॉस्फेयर मौजूद है, जिसमें हर वक्त तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई प्लेनेट इसकी लपेट में आ गया तो वो जलकर राख बन जाएगा। इसके अलावा सूरज से बहुत तेज हवाएं निकलती हैं, जिसकी आवाज़ किसी तूफान की तरह होती हैं। इन्हें सोलर विंड्स कहा जाता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं, और ये हमारी जमीन को भी नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड हमें इन सोलर विंड से बचा लेती हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं सोलर विंड्स की आवाज़ों को सुनेंगे, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इन आवाज़ों को सुनकर साइंटिस्ट भी हैरान हो चुके हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सोलर विंड्स प्लाज्मा से बना हुआ मैटर है, जो चार्ज गैस की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है। ये विंड्स मिलियंस टन्स पर सेकंड की मकदार में हर वक्त सूरज से निकलती हैं और हमारे सोलर सिस्टम में हर तरफ फैल जाती हैं। ये विंड्स जब सोलर सिस्टम में ट्रेवल करती हैं, तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज से टकराकर उसे डैमेज कर देती हैं। इसे हम जमीन पर पोलर रीजन्स यानी साउथ और वेस्ट स्काई के ऊपर एरोरास की सूरत में टकराते हुए देख सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब हमारे पास एक ऐसा प्रोब है, जिसका मकसद सूरज को बहुत करीब से स्टडी करना है। ये बात आप जान लें कि हमारी स्पेस बिल्कुल खाली है, यहाँ आवाज ट्रेवल नहीं कर सकती और न ही स्पेस में आवाज को सुना जा सकता है, लेकिन स्पेस में रेडियो वेव्स ट्रेवल करती हैं, जिनमें किसी भी चीज की आवाज हो सकती है और इन रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करके सुना जा सकता है। सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स को भी इसी तरह रिकॉर्ड किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज का जो डेटा शेयर किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स की आवाज़ें जमीन पर मौजूद आवाज़ों से कुछ मिलती जुलती हैं। जिन पार्टिकल से सोलर विंड्स बनती हैं, पार्कर सोलर प्रोब ने उनमें प्रेशर वेव्स को मेजर किया, और फिर प्रेशर वेव में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड को मेजर करने के बाद साइंटिस्ट ने इस डेटा को ऑडियो में कन्वर्ट किया, ताकि हम उसे सुन सकें। अभी आप जिस आवाज को सुनेंगे, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्लाज्मा है, जो मुसलसल विंड्स की सूरत में सूरज से निकल रहा है। तो आइए सबसे पहले दो ऑडियोस को सुनते हैं। अभी आपने जो ऑडियो सुनी, इन्हें विस्लर मॉड वेव्स कहा जाता है, और ये लो फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स हैं, जो सूरज के कोरोना में फटने वाले एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती है। कोरोना सूरज के एटमॉस्फेयर का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से सूरज से बाहर निकलती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सूरज से बाहर सोलर सिस्टम के किनारों तक फैली हुई हैं। जब प्लाज्मा वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं, और घूमते हुए ये बहुत जोर से आवाज पैदा करते हैं, जो हम जमीन पर आने वाले किसी बहुत बड़े और खौफनाक तूफान में सुनते हैं। आइए अब अगली ऑडियो को सुनते हैं।
ये आवाज़ लैंगम्यूर वेव्स की वजह से पैदा हो रही है जो सीटी की आवाज़ से मिलती जुलती है, लेकिन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स की निस्बत इसकी पिच हाई है। अब हम फिर दो ऑडियोज को सुनेंगे। ये आवाज़ परिंदों की आवाज़ की तरह है। ऐसी आवाज़ें डिस्प्रेसिव वेव से आती हैं, जो तेजी के साथ एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रही है। जब ये शिफ्ट होती है तो इससे पैदा होने वाली आवाज़ ऐसे महसूस होती है जैसे बहुत तेज हवाएं हमारे माइक्रोफोन से आकर टकरा रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक जमीन के नज़दीक ये बहुत रेयर हैं, जिसकी वजह से उन्हें उस बात का यकीन है कि ये इतनी खास नहीं है। इन वेव्स को उन्होंने सूरज के नज़दीक हर जगह डिस्कवर किया। ये वेव्स कैसे बन रहे हैं इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आइए अब आखिरी ऑडियो को सुनते हैं। ये हॉट प्लाज्मा वेव्स की आवाज़ है जिनमें माइक्रोस्कोपिक डस्ट प्रॉप के सेंसिटिव आलात से टकरा रहे हैं। अब जरा इसे भी सुने। इस ऑडियो में आपने जो आवाज़ सुनी ये बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक इम्पैक्ट है। जब एस्ट्रॉइड और कॉमेट से आने वाली डस्ट सूरज की ग्रेविटी की वजह से टुकड़े टुकड़े होती है और जब ये गर्मी स्पेसक्राफ्ट से 5,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराती है तो ये आवाज़ पैदा होती है। आपने जितनी भी आवाज़ों को सुना असल में वो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो ग्रेविटी की वजह से टूटकर स्पेसक्राफ्ट से टकरा रहे हैं। प्लाज्मा वेव्स को सुनकर साइंटिस्ट ने सूरज के बहुत ज्यादा पुरइसरार राजों को हल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज की कोरोना इसकी सरफेस से ज्यादा गर्म क्यों है और सोलर विंड्स में मौजूद पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों होती है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।